ये है दिल्ली दर्पण। ये छीना झपटी होती है, मोबाइल छीनते, पैसे छीनते, ड्राइवरों को मारते हैं, तो किस लिए? गवर्नमेंट की क्या फैसिलिटी है बताओ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका आनंद। इस वक्त हम मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी में। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि बारिश होने के कारण लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल बारिश हुई है, जगह जगह पानी भर गया है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, कोई परेशानी? मंडी है, 7% का टैक्स हम देते हैं, जो माल ला के बेचते हैं हमें मासाखोर कहते हैं। हम 7% आड़ती को टैक्स देते हैं। ये रोड पर सब्जियाँ लगी हैं, ये लगनी नहीं चाहिए रोड पर। ये छीना झपटी होती है, मोबाइल छीनते, पैसे छीनते, ड्राइवरों को मारते हैं, तो किस लिए? गवर्नमेंट की क्या फैसिलिटी है बताओ ना। 7% का टैक्स ले रहे हो, काहे का ले रहे हो आप? बारिश होने के कारण क्या परेशानी होती है? परेशानी बारिश से नहीं है, परेशानी आड़तियों से। ये सारे प्लेदार रहते हैं दुकानों पर, तो सारे पीते खाते हैं, तो सारा कचरा इस छत के ऊपर डालते हैं। इसकी वजह से सारा ऊपर जाके देखो, सारे में कचरा बढ़ हुआ है। इसकी वजह से सारा पानी रुक जाता है, इसकी वजह से पानी निकल पाता है, इसकी वजह से सारा बेकार हो रहा है। लेंटर पूरा चुच रहता है, कभी भी कुछ। ये इधर आगे झुक भी गया है, सबसे ज़्यादा इधर भी आने वाला है पानी। इससे ज़्यादा चाहे साल दो साल में बिल्कुल बेकार हो, बाकी बेकार तो पूरा हो रहा है, लेकिन पूरे छत ये पूरी बेकार हो रही है कचरे से। पूरे दुकान पे जितने पल्लेदार रहते हैं, आड़ती के पल्लेदार रहते हैं, उसकी पूरी दुकानों पर कचरा भरा हुआ, सारी बोतलें, शराब की बोतलें, कूड़ा, खाना पीना, कचरा जो भी है सब भरा हुआ उस छत। आपने कभी इसकी शिकायत करने की कोशिश? नहीं, हम छोटे आदमी, हमारे कोई नहीं सुनता। भाई साहब है विजय कुमार जी, उन्होंने कंप्लेंट करी है, देखे आए उनको प्रूफ वगैरह सारा कुछ, आवे सहन सुनवाई कोई नहीं होती यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, टैक्स हम देते हैं 1% का, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। बस ए ब्लॉक के अंदर खासकर ना पानी है, प्याऊ है, प्याऊ में पानी नहीं आता। बाकी यहाँ देख लो आपके सामने जो भी कुछ है, हमारी सारी सब्जियाँ खराब होती है, सारा कुछ खराब होता है, सब माल खराब होता है, कचरा दुनिया भर का दुकान वाले इकट्ठा करते हैं, उनको कोई कहता नहीं है। और वो नालियाँ बंद हो जाती हैं, पानी खड़ा हो जाता है और बीच में से टपकता रहता है। बारिश होने से क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बारिश होने से परेशानी यही है, ऊपर कबाड़ जमा है, वो पानी बाहर जैसे निकलता नहीं, वही टपक रहा है, सब पन्नी बंधी हुई है, देखो ये अंदर में है। हाँ परेशानी है, हमारे को पानी टपकता है, जब इससे तिरपाल लगा रखे अपने पास, हमने तिरपाल लगा रखे, कोई ऊपर से टूट के गिरती भी है हमारे पर, तो इस मारे तिरपाल लगा रखे हमने अपने बचाव के लिए। अभी इसकी शिकायत करने की कोशिश करी? अरे शिकायत करी है, पर वो शिकायत सुनता कौन है हमारी? तो बिल्कुल जैसा कि हमने लोगों से बात की और ये जाना कि 45 से 50 साल पुराना लेंटर होने के कारण इसमें बारिश का पानी टपकने लगा है और जिससे काफ़ी गंदगी भी होने लगी है। मजबूरन वर्ष यहाँ के लोगों ने तिरपाल डालना शुरू करा है ताकि वो अपनी सब्जियों को बचा सके। अब उनके प्रशासन से सिर्फ एक यही उम्मीद है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करा जाए ताकि आने वाले समय में उनको इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन सोनू के साथ मैं प्रियंका, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर